सियालकोट जिले इंतजामिया की कब्जा माफिया के खिलाफ जारी ऑपरेशन में तेजी। रेलवे रोड पर तहसील कौंसिल सियालकोट की जमीन पर 1993 से गैर कानूनी पेट्रोल पंप को बंद करके जगह वागजार करा ली गई। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ताहिर फारूक की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मीर मोहम्मद नवाज और असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट सोनिया सदफ ने तहसील कौंसिल पुलिस और रेवेन्यू स्टाफ के हमराह रात गए कार्रवाई करके गैर कानूनी पेट्रोल पंप को सील करके सरकारी अराजी व गुजार करवा ली। सरकारी अराजी पर 1973 में गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया गया था और 1993 में इस पर एक पेट्रोल पम्प कायम किया गया, जबकि डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक का कहना था कि नाजायज़ कब्जा करने वालों के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई जाएगी और जमीन कब्जे के वक्त से अब तक किराया भी वसूल किया जाएगा।